इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन के अंदर अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसकी नोटिफिकेशन को अगर हम रीसेट करने लग गए तो किस तरीके से हम रीसेट करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर जाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। खोलने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा उसके बाद। तो सेटिंग्स में हम चलते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमें सिंपली जो है अगर नोटिफिकेशन को रीसेट करना है तो नोटिफिकेशन पर ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स में। तो जैसे इस पर टिक करते हैं और यहाँ पर रीसेट के लिए आएगा, तो रीसेट जैसे ही करेंगे यहाँ से नोटिफिकेशन जो होगी वो रीसेट हो जाएगी। तो इतना सा प्रोसेस रहता है इसका ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।